देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज, आपके साथ में हूँ लक्ष्मी उपाध्याय। राजस्थान में सिर्फ दो सीटों के उपचुनाव में ही गठबंधन के रिश्तों की तुरपाई उधड़ती हुई नजर आ रही है। आरएलपी सुप्रीमो सांसद हनुमान बेनीवाल नागौर की खीरसर सीट पर अपनी दावेदारी ठोंकते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि झुंझुनू की मंडावा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान भी कर रहे हैं। यानी आरएलपी की ओर से 50-50 का फॉर्मूला पेश कर दिया गया है। इस फॉर्मूले में हालांकि फांस तो कई है, लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये डर क्यों सता रहा है, अपने सहयोगी को शक की नजर से क्यों देखा जा रहा है। आपको याद होगा कि राजस्थान वही प्रदेश है जहां सहयोगियों को शक की नजर से देखने का उदाहरण हाल ही में सबके सामने आया है। जिस बीएसपी ने मुश्किल समय में कांग्रेस को सरकार बनाने में समर्थन दिया, उसी बीएसपी के सभी विधायक कांग्रेस ने अपने खाते में ले लिए, यानी सारे विधायक तोड़ लिए। कांग्रेस ने ऐसे सहयोगी धर्म निभाया है, तो क्या यही वजह है कि आरएलपी अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है उस इलाके में, क्योंकि सहयोगी दलों से भी खतरा होता है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इसी पर होगी चर्चा। कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कब किसका वक्त आएगा कुछ पता नहीं। मरुधरा की उड़ती मिट्टी में एक बार फिर चुनावी खुशबू आ रही है। सूबे की दो सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इसी चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव में आरएलपी और बीजेपी गठबंधन के गले में हाथ डालकर घूम रहे थे। बेनीवाल सांसद बन गए, बीजेपी का भगवा गमछा डालकर लाव लश्कर के साथ निकलने वाले कल के बेनीवाल आज के उपचुनाव में अकेले हो गए। हिंसर के उपचुनाव में बेनीवाल बीजेपी के आगे समर्थन की झोली फैलाए हैं। हम ये चाहते हैं कांग्रेस मुक्त राजस्थान हो, इसलिए गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़े। मैं ये चाह रहा था कि भाई खींवसर के अंदर आरएलपी इलेक्शन लड़े, क्योंकि खींवसर आरएलपी की राजधानी भी है। मैं वहां से विधायक भी था, संयोजक भी हूं और मान्यता भी वहीं से मिली है। और मंडावा चूंकि बीजेपी चुनाव जीती थी इस चुनाव के अंदर, तो मंडावा में बीजेपी का उम्मीदवार और आरएलपी उसको सपोर्ट गए। सियासत में संभावनाओं के साथ समझदारियों का भी खेल होता है। गणित के गुणा भाग में कार्यकर्ताओं की नब्ज भी टटोली जाती है। बीजेपी कार्यकर्ता खींवसर में गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं का दावा है कि खींवसर से बीजेपी की सीट निकाल लेंगे। अब कुछ नेता अपने स्वार्थ के आड़ में इस गठबंधन को अगर जो मोड़ देते हैं तो पार्टी के लिए, वहां के कार्यकर्ताओं के लिए समाचार अच्छे नहीं होंगे, परिणाम आने वाले टाइम में दूरगामी अच्छे नहीं होंगे। और हम दावा करते हैं खींवसर की सीट हम बीजेपी को, पार्टी को हम दे सकते हैं। ये गठबंधन करने से तो नुकसान ही है, उस जगह की जो जनता है उनका सोचना है कि गठबंधन ना हो। खींवसर सीट की खींचतान में बेनीवाल गठबंधन की दुहाई दे रहे हैं, तो बीजेपी के सामने कार्यकर्ताओं का सवाल है। सवालों के समंदर में फंसी बीजेपी से सवाल है कि क्या बीजेपी हनुमान के लिए खींवसर का मैदान छोड़ेगी? अगर छोड़ेगी तो फिर कार्यकर्ताओं को कैसे मनाएगी? ऐसे कई सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे न्यूज एंड व्यूज में। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता दावा कर रहे हैं कि गठबंधन से अगर आप मैदान में जाते हैं तो घाटा पार्टी का ही होगा, लेकिन एक ओर हनुमान बेनीवाल दावा कर रहे हैं कि गठबंधन का धर्म निभाना होगा। हालांकि दिल्ली में तो गठबंधन है, लेकिन अभी यहां बीजेपी को तय करना है कि आखिर करना क्या होगा। तमाम खास मेहमान इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका परिचय उसके बाद इसी पर हम बहस आगे बढ़ाएंगे। पंकज जोशी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश मंडिया जी नेता हैं आरएलपी से हमारे साथ शामिल हुए हैं, ओम सैनी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु कुलवाल जी बसपा नेता हमारे साथ शामिल हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत डिबेट में शामिल होने के लिए। पंकज जोशी जी, कल तक जो आरएलपी गठबंधन के गले में हाथ डालकर घूम रही थी, आज वो अपना अलग रास्ता तैयार करने के लिए भी ऐलान लगभग कर चुकी है। सवाल यह है कि खींवसर की सीट पर कांग्रेस पार्टी के आगे बीजेपी लड़ रही है या आरएलपी लड़ रही है? देखिए लक्ष्मी जी, मैं आपको बहुत साफ से बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो है एक कैडर बेस्ड मास पार्टी है और इसके अंदर जो कैडर है वह अपने आप में जो है बहुत चीजें कि जिनका निर्णय जो है
केवल कहीं से भी न होकर के गुटों में न होकर के वहां का जो निर्णय है वो बिल्कुल यहां नीचे से लेकर के ऊपर तक जो है राय मशवरा होकर ऊपर से जो है वहां जहां जहां पावर से वहां निर्णय होते हैं। जहां तक गठबंधन की बात है, गठबंधन का जो निर्णय है वो केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है और केंद्रीय पार्लियामेंट्री कमेटी के हाथ में है कि गठबंधन कहां कहां होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब उनका है। और आपने पिछली बार भी देखा कि जब लोकसभा के चुनाव थे तो वही सारी चीजें हुई कि जहां पर सभी चीजों को समन्वय रखते हुए हमने गठबंधन किया और गठबंधन करने के बाद वो सीटें हम जीते। और कभी भी आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इन चीजों के लिए जो है दूसरी पार्टियों की तरह कभी भी किसी रूप के अंदर जो है। अरे सर आप इतना घुमा रहे हैं, मतलब उस एक शब्द को कहने के लिए सर आप दिल्ली गए, राजस्थान आए, फिर वहां गए। मैंने सिर्फ सीधा सवाल किया कि क्या बीजेपी लड़ रही है? कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम अपने दम पर सीट जीतेंगे, आप घाटा मत उठाइए। दुख सिंह भी इस बात का ऐलान कर रहे हैं। कौन कार्यकर्ता? लक्ष्मी जी जब दो सीट थी तब भी कार्यकर्ता बेस पार्टी थी। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ लक्ष्मी जी, दो सीट से लेकर के 300 पार आज हैं। हाँ। वही कार्यकर्ता बेस पार्टी है, वही कार्यकर्ता है, वही सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हाँ। आज लगातार आप देखिए कि जो है जिन चीजों के अंदर ये है तो जो भी कोई है उसका निर्णय जो है पार्टी में, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि पार्टी जो है मास पार्टी जरूरी है लेकिन कैडर बेस मास पार्टी है, तो वहां पर जो है इन चीजों का है कि जो निर्णय वहां से होगा उस निर्णय का स्वागत होगा। लेकिन बनिवाल जी तो कह चुके हैं ना कि हम तो लड़ रहे हैं, भाई आप समर्थन दीजिए तो ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं वो कि आप अपना धर्म निभाइए। क्या ये धर्म निभाने जा रहे हैं आप? अरे भाई ये उनकी पार्टी का सोच है। देखिए नहीं नहीं नहीं, ये उनकी पार्टी का सोच है, ये पार्टी का, देखिए पार्टी कभी किसी दूसरी पार्टी के जो है आंतरिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करती है, कभी भी नहीं किया। और लगातार आरएलपी के आप यहाँ देखेंगे तो राजस्थान के अंदर आरएलपी के मुखिया जो है प्रोग्राम में हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है उनके मुखिया से ही बात करती है। ठीक है सर, राजेश मांडिया जी साफ तौर पर कहा पंकज जी ने ये आपकी सोच है, हमारा डिसीजन होगा वो दिल्ली से होगा। सवाल ये कैसा गठबंधन है कि दिल्ली दरबार में तो आप साथ हैं लेकिन यहाँ पर आपने तो ऐलान कर दिया कि देखिए हम तो लड़ेंगे, आप दे दिए समर्थन तो ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ऐसा नहीं है कि हमने समर्थन दे दिया है या हम नहीं लड़ेंगे, ये आपकी सोच हो सकती है, उन्होंने ऐलान नहीं किया है ऐसा, क्या रास्ता अपनाएंगे? हमने ये भी नहीं कहा ना, देखिए लक्ष्मी जी हमने ये भी नहीं कहा कि हम नहीं, हम समर्थन नहीं दे रहे। आप एक सेकंड रुके, क्लियर बात कीजिए। देखिए लक्ष्मी जी, हाँ राजेश, देखिए लक्ष्मी जी बहुत अच्छा सवाल आपने, बहुत ही अच्छा शुरुआती सवाल किया आपने। जिस वक्त हमने लोकसभा चुनाव के टाइम पे जो गठबंधन हुआ था तब हमने तय किया था कि ये गठबंधन हमारा दिल्ली के लिए है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, उनका काम, पिछले 5 साल का उनका काम जो उन्होंने किया, उन सब बातों को ध्यान में रख करके हमने गठबंधन किया दिल्ली चुनाव के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बार बार हम ये हमारी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी, हमारी पार्टी के जो भी प्रवक्ता सबने बार बार ये कहा है कि अगर ये गठबंधन उस वक्त दिल्ली चुनाव के लिए था और राजस्थान प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव होंगे उनके अंदर परिस्थितियां बनेगी, हम तय करेंगे कि बीजेपी दबाव नहीं है तो क्या है, कि कमान किसके हाथ में है, आप तय करेंगे। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप बहुत संभल कर बोल रहे हैं, मैं समझ रही हूँ कि कहीं कुछ ऐसा ना जाए जिससे गड़बड़ हो जाए। मेरा सवाल यह है कि क्या नहीं लगता कि ये एक दबाव की राजनीति है? ये कैसा गठबंधन है भाई? आप पहले बात तो कर लेते, आपने तो कह दिया हम तो लड़ेंगे, ये दबाव किसी नहीं प्रकार तो का दबाव नहीं है हमारे। अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी आपके लिए पूरी सीट छोड़ती है, जो सुप्रीमो है, अगर लोकसभा चुनाव में मिल रहे हैं सर, पूरा सवाल लीजिए मेरा, हमारी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल 3 बार खींवसर से एमएलए रहे हैं जी, खींवसर का हर किसान जवान का उनसे डायरेक्ट कनेक्ट है, तो इसमें कुछ नहीं है, क्लियर है चीजें। गठबंधन करेंगे तो स्वागत है, नहीं करेंगे तो हम लड़ेंगे, तो हम लड़ेंगे, इसमें कोई दोराय नहीं है। क्लियरली आपको लिटरली जवाब दे रहा हूं, थोड़ा सा रुक जाइए, बिल्कुल लड़ेंगे। पंकज जी सुन लिया आपने, गठबंधन करेंगे तो ठीक है अन्यथा हम लड़ेंगे। क्या सरेंडर करने जा रही है बीजेपी, मैदान छोड़ेगी यहाँ पर? देख नहीं नहीं, देखिए मैं फिर आपको कह रहा लक्ष्मी जी, ये दूसरी पार्टी का निर्णय है, इन्होंने बहुत साफ सा कहा कि देखिए जो केंद्र में जब गठबंधन हुआ तब वो केंद्र के नेताओं के बीच में हुआ और अभी भी जो गठबंधन होगा वो बड़े जो हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा तो गठबंधन हो जाएगा। और मैं आपको बहुत साफ सा बता दूं, दबाव में तब होते हैं जब पार्टी जो है कहीं कमजोर होती है। आज भारतीय जनता पार्टी कहीं कमजोर नहीं है, कहीं वो नहीं है, कोई दबाव में नहीं है, हमने ना दबाव में पहले किया ना दबाव में अब करेंगे, कोई दबाव नहीं है इस चीज का। देखिए गठबंधन हम बहुत साफ से और खुले उससे किया था और अभी भी यदि होगा तो खुले जो है विचारों से होगा और इस चीज को हम पालना करेंगे। ओम सैनी जी आपने दोनों को सुना होगा, पंकज जी कह रहे हैं हालांकि थोड़ा सा डाउन नजर आ रहे हैं कि देखिए हम तय करेंगे, हालांकि स्टेट फॉरवर्ड राजेश मंडारिया जी ने कह दिया कि देखिए हम तो लड़ेंगे, आपको समर्थन देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो रहने दीजिए, दिल्ली तक था हमारा था, यहां पर हम अपनी सीट किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे।
आपको क्या लगता है यहाँ पर कि क्या कांग्रेस पार्टी के सामने बीजेपी मैदान छोड़ेगी आरएलपी के लिए कि आरएलपी यहाँ पर लड़े और हम साइड बाई हो जाते हैं, एक एक सीट पर समझौता कर लेते हैं, 50-50 का फॉर्मूला जो हनुमान बेनीवाल दे रहे हैं? देखो लक्ष्मी, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी के पास में वो चेहरा नहीं है जो 2008 में, 2013 में और 2019 में हुआ करता था। 2008 और 13 का जो चेहरा था वो था वसुंधरा जी का, और वसुंधरा जी के माध्यम से सारा सिलसिला बना। हनुमान बेनीवाल अगर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से विजयी हुए और वहां की जो साहबी राजनीति रही है नागौर की, उस साहबी राजनीति को जो उन्होंने पीछे छोड़ा, उससे एक नौजवानों में और किसानों में एक दबदबा पैदा हुआ है। आज वो समझ रहे हैं कि उनकी हैसियत ऐसी है कि वो बार्गेनिंग कर सकते हैं और अपना स्वतंत्र स्वरूप बना सकते हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली से कैसे फैसला होगा, जबकि हनुमान बेनीवाल तो स्वयं संयोजक करता धरता है, जो कुछ फैसला कर सकते हैं वो यहाँ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बात को भेज रही है दिल्ली के रास्ते पर कि दिल्ली के जो नेता है वो जो फैसला करेंगे उसको हम स्वीकार करेंगे। नहीं, तो लगता नहीं है कि एक गठबंधन। ओम सैनी जी, यहाँ ये समझना होगा, दिल्ली में ही तय होगा, यहाँ ये समझना होगा कि राजेश जी ने साफ कर दिया कि हनुमान बेनीवाल तो तय कर चुके हैं कि हमको क्या करना है, अब तय करना है बीजेपी को। यानी कि यहाँ पर बीजेपी को डिसीजन लेना होगा कि खुद को सरेंडर करना है सहयोगी दल के आगे या नहीं करना है। वो तो झुकने को तैयार नहीं, उनका डिसीजन तो साफ है सर। तो क्या आपको भी लगता है कि ये दबाव है कि देखिए हमारी जो फिक्स सीट है उससे हम कोई समझौता नहीं करेंगे? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप ये कि दबाव वाला सिलसिला निश्चित रूप से है। भारतीय जनता पार्टी के पास में नया चेहरा जो आया है वो प्रांतीय अध्यक्ष का आया है। प्रांतीय अध्यक्ष इस संबंध में क्या फैसला करते हैं, वो क्या आला कमान पे छोड़ते हैं या स्वयं फैसला करते हैं? स्वयं फैसला करते हैं तो फिर हनुमान बेनीवाल यहाँ बैठे हुए हैं, वो कह चुके हैं कि हम तो बिगर अगर या तो सीट दीजिए वरना तो हम अपने लेवल पे लड़ेंगे। इसका मतलब कि गठबंधन टूटने की स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी दोनों आमने सामने होंगे। ठीक है, बड़ा तय हो चुका है एक तरीके से। राजेश मांडिया जी, अगर दो सीटों पर ही गठबंधन के मजबूत रिश्ते की तुरपन उधड़ने लगे तो हम क्यों ना कहें कि गठबंधन में भरोसा नहीं है, और जहां भरोसा ही नहीं वो रिश्ता आगे कैसे जाएगा? देखिए, रिश्ते की बात है तो लोकसभा चुनाव में हमने अपना पूरा धर्म निभाया। नागौर के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हमारा गठबंधन हुआ, पूरे मारवाड़, पूरे राजस्थान में, समूचे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इसके फायदे मिले। अब बात प्रदेश में बाई इलेक्शन की है तो उसमें खींवसर हमारा पारंपरिक हमारी सीट रही है। खींवसर का आम जवान किसान हमारी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से सीधा कनेक्ट रखते हैं। विष्णु कुलवाल जी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले एक कमेंट पंकज जोशी। बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बड़े नेताओं के बीच में बात चल रही है, अभी कुछ भी तय नहीं है। पंकज जोशी, हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन का धर्म जरूर निभाएगी। ठीक है पंकज जोशी, भारतीय जनता पार्टी को आरएलपी के गठबंधन का फायदा लोकसभा में मिला ये कह रहे हैं राजेश जी, और अब वो फायदा नहीं देंगे आपको? क्या सच में आपको फायदा मिला या आरएलपी को फायदा मिला? आपको फिर बताता हूँ। लोकसभा चुनाव के अंदर देखिए, नहीं मैं कह रहा हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने केवल राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे संगठनों के साथ जो है मिलकर के जो है पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ा, और हिंदुस्तान के चुनाव में मेरे ख्याल में जो है यदि फर्स्ट माइनॉरिटी गवर्नमेंट यदि इंदिरा गांधी की 1969 के बाद देखें तो मेरे ख्याल में इसके बाद जब इंदिरा जी की डेथ हुई उसके बाद में इतनी बड़ी मेजोरिटी की सरकार और बिल्कुल स्वच्छ मन से पहली बार आई। और जहां तक बात जो अभी ओम सैनी जी कह रहे थे कि दबाव में है, मैं कह रहा हूं कि जो टोटल 200 विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा में 285 सीटों पर केवल सामान्य बढ़ोतरी कैंडिडेट थे लोकसभा के, उनकी बूथों से जो है बढ़त बनाए हुए, लगातार बढ़त बनाए रहे। राजनीति में देखिए पंकज जोशी, मैं इस बात मैं ये कह रहा हूँ, आप कहिए, हिम्मत रखिए ना, दबाव नहीं है तो नहीं देखिए, ये किसी पार्टी का आंतरिक मामला हो सकता है। मैं कह रहा हूं ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, लोकतंत्र के अंदर अपने अपने जो है स्वेच्छा है, आप आना चाहे शर्तों के साथ में आए, नहीं आना चाहे नहीं आए, ये अलग चीज है। कोई भी किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाता कि इस दबाव बना करके किया जाए, जैसा कि अभी आपने पार्टी में देखा सर, आप यहां बैठकर नहीं कह पा रहे हैं कि आप समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं चला, आप बैठकर नहीं कह पा रहे हैं। मैं राजेश जी का इसलिए सच में मैं इसलिए उनको अप्रिशिएट कर रही हूं कि उन्होंने खुल के कहा
कि मैडम देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है हमारी तरफ से। हो सकता है पार्टी ने इनको कह रखा हो, लेकिन मैं कह रहा हूं हमारा कैडर बेस मास पार्टी है, हमारा निर्णय प्रवक्ता नहीं ले सकता। आ रही हूं पंकज जी, ले सकते हैं जो है। आ रही हूं मैं, एक सेकंड रुकिए जरा। विष्णु गुलवाल जी बहुत स्वागत है आपका। सहयोगियों से धोखे का दर्द आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? क्या तैयारी है उपचुनाव की बीएसपी की, क्योंकि अब तो आप जीरो हो गए हैं प्रदेश में। आपको जो धोखा मिला, क्या उससे आरएलपी ने बहुत बड़ा सबक ले लिया कि हम अपनी जमीन को खोएंगे नहीं? समर्थन बेशक हो, गठबंधन बेशक हो, लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी जमीन खत्म कर रहे जैसे बीएसपी की हो गई। नहीं नहीं, नहीं। लक्ष्मी जी देखिए, संगठन एक अलग विषय है और एमएलए ही अलग है। आज संगठन जो बहुजन समाज पार्टी का है वो अपनी जगह स्थिर है और बहुजन समाज पार्टी राजस्थान की दोनों उप विधानसभा के उपचुनाव लड़ेगी। अच्छा, इसमें कोई भी प्रकार की बात नहीं है। सवाल बेनीवाल जी का और भारतीय जनता पार्टी का है। अभी जो है दुर्ग सिंह जी चौहान जो बोल रहे हैं, पहले बसपा में थे, अब ये बीजेपी में चले गए हैं, तो इनको ये पता है कि अगर हम यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे बीजेपी के लोग तो हमारा भविष्य क्या होगा। ये बीजेपी, ये बसपा छोड़ के बीजेपी में गए इसलिए हैं, इन्हें सिर्फ चुनाव लड़ना है। तो सवाल है कि हनुमान बेनीवाल जी अपनी प्रतिष्ठा जहां से शुरू की उस सीट को हनुमान बेनीवाल जी क्यों छोड़ेंगे? सवाल ये पार्टी का उनका आंतरिक मामला है, इस विषय में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में दिखा देगी कि हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये कोई कंप्रोमाइज विश्वास नहीं करते, इनका जहां स्वार्थ होगा वहां कंप्रोमाइज होगा। तो अभी जो हनुमान बेनीवाल जी या उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि हम तो लड़ेंगे, आपकी चो जो कर ले। तब लोकसभा में ये बोल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी को समझ में कमाई थी कि बात ये। तो इसलिए हनुमान बेनीवाल जी की जमीनी जो जमीन है जहां से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया राजनीतिक विधानसभा, वो उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी दोनों विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हनुमान बेनीवाल तो नहीं छोड़ेंगे, उनको भी समझ आ रहा है क्या ये बात आपको समझ आ रही है? जवाब देता हूँ पहले। नहीं नहीं देखिए, नहीं नहीं नहीं, देखिए हो सकता है, देखिए ये वो समझा रहे हैं जिन्होंने कहा कि संगठन नहीं टूटा। मैं कह रहा हूं आज ही आपके अभी चैनल पे इससे पहले ये चल रहा था कि राजस्थान की जो बीएसपी की जो संगठन है वो भी भंग हो गया है। हाँ तो क्या हो गया? तो संगठन तो भंग किया है, वापस नया चुनाव नहीं होते क्या हमारे? तो वो भाग गया। इसके बारे में आप ये कहते हैं कि आप अपनी बात कीजिए ना, हमारी बात छोड़ दीजिए। आपने मेरे से जवाब मांगा है उस पार्टी पर जिसने खुद का पता नहीं है, और आप मेरे से कह रहे हैं कि आरएलपी के लिए वो ये कह रहे हैं। मैं कह रहा पता नहीं है तो भी लोकसभा में और राज्यसभा में समर्थन माने क्यों आए थे आप? अरे कैसे पता नहीं आपको? ये भूल गए बीएसपी है पार्टी? कैसी बात बोल रहे हैं पंकज जी? आप देखो जिसके साथ गठबंधन करो ना, उनके साथ मजबूती से करो। हमने रंग मत बदलो, हमेशा मजबूती से किया। आप रंग बदल रहे? अरे हम हमेशा मजबूती से हनुमान बेनीवाल को धोखा देने के लिए। अरे आप कैसी बात बोल रहे हो? जिस हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के साथ लोकसभा में कैसी बात नहीं चाहते हम, ये क्या करें? मैं कह रहा हूं कि आप एक चीज बताइए, यूपी में जब हमारा गठबंधन हुआ तो गठबंधन से पीछे कौन हटा शर्तों से? इसके बाद यहां पर कभी गठबंधन हुआ तो इनके बाद क्या पोजीशन रही? हमारे साथ जब भी गठबंधन हुआ लगातार जो है आप देखिए कि हमने उस गठबंधन की पालना की, चाहे माननीय अटल जी की सरकार गठबंधन में रही हो, 29 जो है दल रहे। पंकज जोशी एक बहुत छोटा सवाल है मेरा आपसे निभाते हुए हमने जो है सरकार। पंकज जोशी एक बहुत छोटा सवाल है, दुर्ग सिंह चौहान को हम भी सुन रहे थे, आप भी सुन रहे होंगे, कार्यकर्ता कह रहा है कि आप गठबंधन में मत जाइए, हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। अगर आप आरएलपी को सपोर्ट करते हैं तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी कैसे दूर करेंगे? देखिए देखिए लक्ष्मी जी, मैंने फिर आपको कहा, आपने एक कार्यकर्ता की बात आपने इस पे दिखाई। मैं कह रहा हूं कार्यकर्ता, ये पार्टी जो है ये पार्टी कांग्रेस की पार्टी नहीं है कि जिसमें नीचे कुछ कहे, ये कैडर बेस मास पार्टी है। यहां पर जो है नीचे से नीचे व्यक्ति भी जो है, आप देखिए कि यहाँ कांग्रेस में चलता है कि अध्यक्ष कौन होगा? अरे सर आप कहां भटक गए, जवाब नहीं है। वो अध्यक्ष से लेकर के प्रधानमंत्री नहीं, नहीं आप ये तय वहां होता है दूसरी हाँ। पार्टी में कि वहां यदि उन्होंने कुछ कह दिया लेकिन तो तय हो गया। एक सेकंड तो सुन लीजिए, कार्यकर्ता सुन लीजिए जरा, कार्यकर्ता भी कहते हैं तय कहीं पर हो, एक सेकंड तय कहीं पर हो, इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण तमाम प्रदेशों के चुनावों में हम देख चुके हैं। चाहे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको राजस्थान में हटके थोड़ा उत्तर प्रदेश में दे दूं, सटा हुआ राज्य है आपका, बीएसपी समाजवादी पार्टी का वहां गठबंधन तो होता है, लेकिन जब तक कार्यकर्ताओं का गठबंधन नहीं होता ना सर, तब तक पार्टी को उसका फायदा नहीं मिलता। और यहां आपका कार्यकर्ता ठोक के कह रहा है कि आप गठबंधन में मत जाइए, उसका गठबंधन कैसे कराएंगे आप?
देखिए कार्यकर्ता के कहने का मंच है मैडम, फिर आपने कहा कार्यकर्ता कह रहा, कार्यकर्ता जो है डिसीजन कौन कर, कार्यकर्ता जो कह रहा है उसकी बात सुनी जाएगी, बात की जाएगी, लेकिन ये कहना कि कार्यकर्ता ने कह दिया है एक कार्यकर्ता ने और उसकी बात मान ली गई, ये तो अभी आपने दो कार्यकर्ता को दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी का जो है कार्यकर्ता बेस यदि आप देखेंगे पूरा तो बूथ से लेकर के ऊपर तक जो है कार्यकर्ताओं की फौज है पूरी की पूरी। ओम शानी जी, पूरा उसमें और पूरे मैं कह रहा हूँ विश्व ने देखा इस चीज को। ठीक है ओम शानी जी, क्या इशारा समझ रहे हैं आप? पंकज जी साफ तौर पर तो ये नहीं कह पा रहे कि देखिए हम मैदान छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि कार्यकर्ता ने कह दिया, आप कैसे मान सकती हैं? देखिए एक एक पंकज जी को एक बात पे बड़ा नाराज है कि कैडर बेस्ड पार्टी है इसकी, इनको सारा कार्यकर्ता जो है वो एक बार फैसला कर ले तो फिर वो जो पार्टी का चीफ फैसला कर ले उसको मानेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि जब से मास बेस्ड पार्टी बनी है भारतीय जनता पार्टी तब से कैडर वैसा नहीं रहा जैसा पहले लगा करता था। अब कैडर बहुत अलग किस्म का हो गया, उसकी चाह और उसको नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल काम है। और ये अगर इनकी समझ है तो मुझे ऐसा लगता है कि खीवसर की जो सीट है उस पर अगर हनुमान बेनीवाल अकेले लड़ते हैं और सामने बीजेपी सामने आती है तो उसका वही हाल होगा जो कांग्रेस का हाल हुआ था। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा ख्याल है कि इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। गठबंधन वाला सिलसिला जो बना था उसको बनाना चाहिए। एक सवाल मेरा कि अगर बाय द वे बीजेपी आरएलपी को समर्थन दे देती है तो मुझे लगता है सर कांग्रेस से तो अच्छा ही अपना गठबंधन धर्म निभाएगी, ऐसा तो नहीं करेगी ना कि अपने छह आपको समर्थन दिया, आपने उसी पार्टी का कैडर खत्म करने की कोशिश की, छह को मिला लिया, दर्द में बैठे हुए हैं विष्णु कुलवाल जी आपके बगल में। बिल्कुल ठीक है, ये एक अनुभव है, गठबंधन का जो धर्म है वो बहुत अलग किस्म का है। ये नहीं, वैसे राजस्थान में हमारे यहाँ पार्टियां खा जाने का सिलसिला रहा है, हमारे भैरव सिंह जी शेखावत ने भी जनता दल को इसी तरीके से हजम किया था, पूरे जनता दल को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया एक जमाने में ना, तो बिल्कुल वो ये यहाँ की परिपाटी है। पहले भी भारतीय जनता बीएसपी की छह लोग जो थे पिछली बार भी, तो अशोक जी ने उस वक्त भी अपने साथ में उनको मिला लिया था और इस बार भी जो है वो भी ले लिया, उनको भी अपने साथ में मिला लिया। तो ये तो इनको सोचना चाहिए कि अब चाहे मायावती कुछ भी कहें, धोखेबाजी कहें, चाहे कुछ भी कहें, लेकिन इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो इनका जो कैडर है वो कैडर तो विचलित हो रहा है और कभी सत्ता में जाने के लिए इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा नहीं कि वरना इनको भी हासिल हो सकता है। तो रहे हैं पहले 10 मिनट आपके पास, 10 सेकंड जवाब। नहीं नहीं, कैडर हमारी पार्टी का जहां है वहां है, विधायक जो गए हैं उनकी बात हमने, कांग्रेस ने हमको धोखा दिया, हमने जिसको समर्थन दिया उसने हमको धोखा दिया, तो कांग्रेस तो धोखेबाजों की पार्टी रही है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। विधायक तो बनाती है बहुजन समाज पार्टी, तो हम तो विधायक बनाने के लिए, क्योंकि हम गरीब तबके के लोग हैं, हम एकदम मजबूती के साथ लगते हैं पार्टी के कार्य के लिए, तो इसलिए अगर जो विधायक जाएगा वो अपने खुद के कर्म खुद भोगेगा, अगले वक्त उनका पता पड़ जाएगा कि हम कहां गए। तो इस प्रकार की कांग्रेस ने जो बहुजन समाज पार्टी को जो धोखा दिया है, उसे आगे आने वाले दो चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को सबक सिखाएगी। छोटा सा सवाल मेरा, विष्णु कुलवाल जी कह रहे हैं कि देखिए हम तो हर स्तर पर गठबंधन का धर्म निभाते हैं, तो क्या आरएलपी का कोई धर्म नहीं बनता गठबंधन में कि जब लोकसभा में बीजेपी बड़ी पार्टी होकर पूरी सीट आपके लिए छोड़ती है तो आप यहाँ बड़े भाई बन जाइए, समर्थन दीजिए, सीट छोड़ दीजिए, क्या ऐसी कोई संभावना है, बन सकती है आगे चलकर? बिल्कुल, आपकी बात को मैं सिरे से खारिज करूंगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। आरएलपी की जो जमीन तैयार हुई है, आरएलपी पार्टी तो कल बनी है, इससे पहले भी हमारी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल 2 बार विधायक रहे वहां से, निर्दलीय उन्होंने चुनाव जीता है वहां से, वो आम जवान और किसान के पसीने से बनी हुई पार्टी है, कार्यकर्ता को महत्व दिया जाता है। ठीक है सर, मैं समझ गया। आम जवान की बात की जाती है, दलित की बात की जाती है, गरीब की बात की जाती है। पंकज जोशी, कोई संभावना नहीं है, हो नहीं सकता आरएलपी सर पर ना लड़े, आपकी क्या संभावना है, छोड़ देंगे मैदान? मैंने आपको कहा ना कि देखिए, हमने आपको कहा ना कि हम दोनों चुनाव दोनों जो सीटें हैं उसके ऊपर चाहे गठबंधन से लड़े चाहे हम अकेले लड़े, हम भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों को जो है, आप देखिए कि दोनों जिस तरीके से लोकसभा चुनाव जीते हैं वो पार्टी जो है उन पे जीत जो है उसी तरीके से चुनाव लड़ेगी, कार्यकर्ता उन्हीं ताकत से और मजबूती के साथ वहां चुनाव लड़ेगा। अरे सर, सीधा सवाल मेरा, खीवसर की सीट पर कौन लड़ रहा है, आरएलपी या बीजेपी? वो
आप चिंता क्यों करते हैं मैडम, 4 तारीख को अभी नॉमिनेशन खुलेंगे, आप देख लीजिएगा नाम निर्णय होगा, यदि गठबंधन होगा तो गठबंधन लड़ेंगे, नहीं होगा तो अकेले लड़ेंगे, ये तय ऊपर होगा। अब आपको आज नहीं, यदि आज ही ये सब तय हो जाता तो इतने बड़ा टाइम को निकालना भी तो वो है, नहीं आप और मैं ही तय कर लेते, लक्ष्मी जी आप और मैं ही तय कर लेते हैं, लक्ष्मी जी ये मैडम मैदान छोड़ रहे हैं। नहीं 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 सरेंडर, देखिए मेरा सरेंडर छोड़िए, पार्टी देखिए मैं कह रहा हूँ पार्टी सरेंडर कहाँ किया और कहाँ नहीं है ये विश्व जानता है। राजेश मांडिया ने साफ हमने कहीं सरेंडर नहीं किया, देखिए लक्ष्मी हम जो है देखिए हमने कहा ना परिभाषा हर पार्टी के लिए अलग अलग प्रकार की होती है, नीतियों के साथ में और चलिए के साथ में चुनाव लड़ते हैं। बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो हमने जनता से पूछा, जनता क्या जानती है, क्या समझती है, क्या चाहती है, ये जान लेते हैं। क्या खींचसा सीट के मोल भाव में बीजेपी का नुकसान होगा? 60% लोग कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर अगर खींवसर सीट पर कोई भी मोल भाव या फिर कोई भी जोड़ तोड़ करती है बीजेपी आरएलपी से तो नुकसान बीजेपी का ही होना है। अब देखना होगा कि आखिर बीजेपी का क्या डिसीजन रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में शामिल होने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। 21 अक्टूबर को चुनाव होगा, उससे पहले पार्टियां सब तस्वीर साफ कर देंगी। यहां देखना होगा क्या वाकई मैदान छोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी आरएलपी के आगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।